ने कहा चले जाओ कोर्ट में, आप आगे खड़े हो गए ना, आपको फाइल पढ़ना है। फाइल लेकर आई आप? ये फाइल लाई है? नो सर, मी फिर फाइल क्यों नहीं लाई? क्या मजाक समझ रखा है कोर्ट को? सीनियर के जाने के बाद फाइल कहाँ रहती है? आपके सीनियर के नौकर हो क्या? मैंने फाइल लिए चले आए और कोर्ट में खड़े हो गए बिकॉज ये आप जो है अपना गाउन और कोट पहने हुए हैं, इसलिए आपको लाइसेंस मिल गया कोर्ट की प्रोसीडिंग में आके खड़े होने का विदाउट ब्रीफ। क्या ऐसा कुछ लॉ है क्या? आपने कोट और गाउन इसलिए पहना है कि कोर्ट कि किसी के भी कहने से कोर्ट में जाके खड़े हो जाओ और कोर्ट की प्रोसीडिंग में बाधा पहुंचाओ? माय लॉर्ड, सीनियर एडवोकेट बाहर हैं, तो आप इसको नेक्स्ट वीक कर दीजिए प्लीज। बाहर क्यों गए? आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन जाने का टाइम ही नहीं है अभी, कोई वैकेशन चल रहे हो कुछ चल रहे हो तब तो आउट ऑफ स्टेशन जाता है आदमी। कोई रीजन तो आपको तो रीजन बताना पड़ेगा आउट ऑफ स्टेशन जाने का। आपने पूछा नहीं सीनियर से? कभी कोई कहीं जाता है तो ऐसे पूछते नहीं कहाँ जा रहे हो कब आओगे? यस सर। आपने नहीं पूछा? कोर्ट में क्रॉस करने का मौका नहीं मिले तो घर में कर लिया करो, सीनियर से कर लिया करो। यस सर। आजकल आने जाने का बताते नहीं एक दूसरे को लोग? एक टाइम था पहले बच्चे भी घर के बाहर जाते थे तो उससे जो है बात पूछा जाता था कब जा रहे हो कब आओगे। आजकल सिस्टम खत्म हो गया है क्या? कब आएंगे वो? सर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक आएंगे? ये केस क्या नेक्स्ट ईयर लगाए सुनवाई में? नो सर, नेक्स्ट वीक कर दीजिए आप इसको। भाई वो नेक्स्ट वीक आएंगे, मान लो जिस दिन लगा ये सोमवार को लगा और सोमवार को सुबह 10 बजे आए वो, जी तो लगाने से क्या फायदा होगा? जी मान लो इसको अपन ने नेक्स्ट वीक लगाया और ये केस ऑफिस ने सोमवार को लगा दिया, अब वो सोमवार को सुबह 9:30 बजे आए, इसको सोमवार को लगाने से क्या फायदा? कब के लगाए बताओ? जैसा आपको ठीक लगे। मुझे क्या उचित लगेगा? किस दिन वो यहाँ प्रकट होंगे? सर नेक्स्ट वीक ही कर दीजिए। आप फोन लगा के पूछिए कब आएंगे वो। जी पूछिए बताइए। जी और पूछिए इस समय कहाँ पर है, उनकी लोकेशन बताइए क्या है, पूरा पूछिए उनसे। जी ओके। नहीं लोकेशन बताए तो मोबाइल में देखिए आप, देख के आइए, सब काम करिए आज। सर वो संडे को आ जाएंगे आप? मंडे ट्यूजडे आ गए वो सर? किसी फंक्शन में गए? बताइए पूरा पूछ के आइए, ऐसे नहीं चलेगा काम, पूरा उनसे पूछ के आइए कहाँ गए, इस समय कहाँ पर हैं और यहाँ जबलपुर में कब उतरेंगे वो। संडे को आ जाएंगे सर, पूछ के आइए। अभी तो पूछ सब पूछा करिए, ये नहीं कि सीनियर ने कहा चले जाओ कोर्ट में, आप आगे खड़े हो गए ना, आपको फाइल पढ़ना है। फाइल लेकर आई आप? ये फाइल लाई है? नो सर, मी फिर फाइल क्यों नहीं लाई? क्या मजाक समझ रखा है कोर्ट को? सीनियर के जाने के बाद फाइल कहाँ रहती है? आपके सीनियर के नौकर हो क्या? मैंने फाइल लिए चले आए और कोर्ट में खड़े हो गए बिकॉज ये आप जो है अपना गाउन और कोट पहने हुए हैं, इसलिए आपको लाइसेंस मिल गया कोर्ट की प्रोसीडिंग में आके खड़े होने का विदाउट ब्रीफ। क्या ऐसा कुछ लॉ है क्या? आपने कोट और गाउन इसलिए पहना है कि कोर्ट कि किसी के भी कहने से कोर्ट में जाके खड़े हो जाओ और कोर्ट की प्रोसीडिंग में बाधा पहुंचाओ? यदि वो आपको कहते हैं कोर्ट में जाइए टाइम मांगने, तो आपको पहले बोलना चाहिए आप मुझे पहले फाइल दीजिए, देन आई विल गो टू द कोर्ट। आप लोगों का कोई सम्मान है या नहीं? है ना, दुनिया आपको कितने सम्मान से देखती है जब आप घर से चलते हो ना ये काला कोट पहन के, आपको पता नहीं है लोग कितना सम्मान की नजर से देखते हैं आप, और यहाँ आके आपको वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। यदि आपके हाथ में फाइल होती तो आपकी वैल्यू ज्यादा होती आज। पूछिए उनसे सब, ऐसा सिस्टम नहीं है मैडम बनर्जी, क्या चल रहा है ये? मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ लोग सीनियर की तरफ से आके खड़े होते हैं और बोलते हैं कि उन वो बाहर चले गए, उन पे फाइल नहीं होती। May I say something which is actually fact? ये फाइल, मेरा दूसरा कहना, एक सेंटेंस वो बोल लेने दीजिए, फाइल होगी ना तो ये बैठ के पढ़ लेंगे उसको तो कुछ सीख जाएंगे। अरे साहब आज तो आज आए हैं, आज ही सीनियर बन जाते हैं।
किसी के खिलाफ मत बोलिए, मैं खिलाफ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं नहीं आपने मुझसे पूछा, बन जाते हैं इफ दे डू नॉट, आज 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 उन जो लोग बन जाते हैं उनके लिए, जो आज नहीं बने हैं हमें उनके बारे में भी तो सोचना है। कैसे सोचे सब, आपको आना नहीं है, आपको कुछ सीखना नहीं है, हम आज आए तो आज ही सीनियर है। तो फिर आप उस सीनियर, फिर उस सीनियर को उसको बोलने भेजने कोर्ट में भी नहीं भेजना चाहिए। वेरी ट्रू, प्रोवाइडेड इफ समबडी इज सिखा रहा, समबडी इज रेडी और विलिंग, हमारा सीनियर ये बोल देता चले जाओ कोर्ट में, फाइल नहीं आते हैं सर। नहीं नहीं यदि नहीं आते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि फाइल आप मेरे चैम्बर में आइए, फाइल लेके जाइए, अदरवाइज आपको उसको नहीं आते हैं मोस्टली सर। व्हाट आई हैव सीन, मैं सीनियर को गलत मानता हूँ। नहीं सीनियर कैसे गलत हो सकता है, सीनियर इसलिए गलत हो सकता है कि आप आएंगे नहीं, आप सीखना चाहिए तो आप उसको ये कैसे बोल रहे हो कोर्ट चले जाओ। नहीं तो उनको खुद समझना चाहिए, जब आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, यदि विनय बिना फाइल लिए उसको सीनियर को बोलना चाहिए, ही और शी हैज टू गो टू द ऑफिस, सीनियर को नहीं, ही हैज टू लर्न, तो सीनियर ही हैज टू लर्न। नो माय लॉर्ड, दिस इज नॉट द फैक्ट, सीनियर आई एम सॉरी, सीनियर शुड नॉट परमिट हर और ही टू एंटर इन, प्रोवाइडेड दे एक्सेप्ट दैट दे आर द लर्नर एंड दे आर सपोज टू गिव दैट टाइम, दे डू नॉट डू दैट, सीनियर शुड नॉट परमिट हर और हिम टू एंटर इनटू द प्रोवाइडेड दे एक्सेप्ट दैट दे हैव कम टू सीनियर हो जाते हैं सब। तो मैं देखता हूँ कौन आता है बिना फाइल, प्लीज प्लीज प्लीज, इसमें सीनियर्स की गलती मानता हूँ। यदि सीनियर्स ये उन्होंने सोच लिया है ना, कि सीनियर्स ने ऐसा सोच लिया है कि ये कोर्ट के अंदर ऐसा सब चलता है, यदि आप गलत, यदि आप गलत को गलत नहीं बोलोगे, ये आप बोल सकते हैं सर, हम बोलेंगे तो बोलेंगे रहे, तो आप ये बोलेंगे आपके नहीं आएंगे वो, इससे ज्यादा क्या होगा, इसे करना है वो करना ही है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टी गलती है, आपकी बात सही है, सॉरी आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट, आप सीनियर्स की भी गलती है, सीनियर सिखा नहीं रहे उनको, हम तो कोशिश करते हैं सर, फाइल ही नहीं दे रहे, फाइल ही नहीं देते आप, आएंगे तब तो देंगे सर, चलिए देखेंगे आपके यहाँ से कौन आता है उसको देखेंगे, आप देखें सर प्लीज, नेक्स्ट लाइन, या कोई भी जो है कोई भी व्यक्ति बिना फाइल के नहीं आइएगा, मैं आपसे ओपनली बोल रहा हूँ, कन्वर्सेशन को साहब ये वीडियो वायरल करवा देंगे, मैं कह रहा हूँ ना, हाँ करें ना, कोई भी व्यक्ति बिना फाइल के यहाँ पे, कोई भी व्यक्ति बिना फाइल के आने के लिए जो है प्रोहिबिशन है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, चलिए।